हेलो, आज मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं। लोग बदलते क्यों नहीं है? हर इंसान को ऐसा लगता है कि मैं सही हूं और दूसरा गलत है। मेरी आवाज सुनो, मैं जो बोलता हूं वही सही है, मैं राइट हूं, वो रॉन्ग है। और हर एक को ऐसा लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने बदलना चाहिए, सामने वाला व्यक्ति ही गलत है, तो फिर हम उसको दोष देंगे, उसकी गलतियां निकालेंगे, वो कैसा गलत है उसके लिए स्पष्टीकरण देंगे, कभी कभी उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, डोमिनेट करेंगे, लोगों को उसके बारे में बोलेंगे और वो गलत है ऐसा साबित करेंगे। फिर हम बोलते हैं कि नहीं नहीं वो ऐसा है, उसने बदलना चाहिए। पति को ऐसा लगता है कि पत्नी ने बदलना चाहिए, पत्नी को ऐसा लगता है कि पति ने बदलना चाहिए, सास को ऐसा लगता है कि बहू ने बदलना चाहिए, बहू को ऐसा लगता है कि सास ने बदलना चाहिए, पार्टनर को ऐसा लगता है कि दूसरे पार्टनर ने बदलना चाहिए, स्टाफ को ऐसा लगता है कि कर्मचारी ने बदलना चाहिए, कर्मचारी को ऐसा लगता है कि आपके जो अधिकारी है उन्हें बदलना चाहिए, भाई को ऐसा लगता है कि भाई ने बदलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता था कि भाई मेरे पत्नी ने बदलना चाहिए, मेरी माँ ने बदलना चाहिए, मेरे भाई ने बदलना चाहिए, मेरे लड़के ने बदलना चाहिए। मुझे लगता कि मैं सही हूं और बाकी लोग गलत है और उन्होंने बदलना चाहिए। मैं ये विचार करता था कि पूरी दुनिया को मैं बदलू, पूरी दुनिया को बदलने का विचार मेरे मन में था। फिर मुझे समझ में आया कि मैं दुनिया को बदल नहीं सकता। काफी सारी कोशिश करने के बाद मैंने विचार छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि मेरे देश को बदलू। फिर मैंने देश बदलने की बहुत सारी कोशिश की, मुझे पता चला कि देश में बदल नहीं सकता हूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरा राज्य बदलू, महाराष्ट्र राज्य, वो बदलू। तो फिर उसके लिए मैंने काफी दिन गंवाया कि भाई मेरा राज्य, मेरा प्रदेश बदलना चाहिए, तो वो भी नहीं बदला। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मेरा गांव बदलना चाहिए, मेरा शहर बदलना चाहिए। फिर मैंने काफी सारी कोशिश किया तो वो भी नहीं बदला। फिर मैंने सोचा कि नहीं नहीं वो नहीं हो रहा है, तो मेरा मोहल्ला बदलना चाहिए। फिर मैंने मोहल्ला बदलने की कोशिश की, बहुत सारे दिन गंवाए। फिर समझ में आया कि नहीं नहीं लोग वहां मोहल्ले के लोग भी बदलेंगे नहीं। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मेरे घर वाले तो बदलना चाहिए कम से कम। तो मैंने घर वाले लोगों को बदलने की कोशिश किया, वो भी नहीं बदले। आज कितने साल चले गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ही बदलना चाहिए। काश मैं अपने आप को बदलता था तो पूरे घर के लोग बदलते थे, एक 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 व्यक्ति ऐसा बदलता था मैं तो, घर के लोग बदलते थे, घर के व्यक्ति बदलते थे, मेरा घर के लोग बदलते थे, मेरा समाज बदलता था, मेरा इलाका बदलता था, मेरा सिटी, मेरा शहर बदलता था, मेरा राज्य बदलता था, मेरा देश बदलता था और मैं पूरी दुनिया को बदल सकता था। तो बदलने की शुरुआत जो होती है वो अपने आप से होती है, लोगों को बदलने की कोशिश करने से कोई व्यक्ति बदलता नहीं। एक जो है व्यक्ति रास्ते के ट्यूबलाइट के नीचे चाबी ढूंढ रहा था, तो मैं पूछा क्या हो रहा, बोले नहीं मैं चाबी ढूंढ रहा हूं, वहां रोड पे रोड लाइट है, स्ट्रीट लाइट, उसके नीचे मैं चाबी ढूंढ रहा हूं। फिर मैं भी उसके साथ में चाबी ढूंढना चालू किया, चाबी तो मिल नहीं रही थी। फिर मैंने उसको पूछा भाई चाबी घूमी कहां, मगर कहां घूम गई चाबी, बोले वो ताला वहां लगाया मैंने मेरे फ्लैट को और चाबी वहीं कहीं भी घूमी हुई है। फिर बोला तू यहां क्या कर रहा है, बोले यहां क्या कर रहा, बोले तू यहां उजाला है करके यहां देख रहा हूं मैं, बोला भाई चाबी जहां घूमी है वहां चाबी ढूंढना पड़ता है, उजाले में चाबी ढूंढना नहीं पड़ता। तो चाबी घूमी कहां है, चाबी घूमी है यहां अपने दिमाग में, और दिमाग में चाबी घूमी है तो दुरुस्त किसको करना पड़ेगा, बदलना किसको पड़ेगा, अपने आप बदलना पड़ेगा। मैं हरदम मेरे लेक्चर्स में एक एग्जांपल देता हूं, वह कि एक व्यक्ति काफी मतलब थका हुआ शाम को अपना कामकाज खत्म करके शाम को घर में आया, सोफे पे लेट के वो अखबार पढ़ रहा था शाम के समय में। उतने में उसका 5 साल का बच्चा उसके पास में आया, वो चाहता था कि उसके डैडी ने उसके साथ में खेलना चाहिए। वो बीच बीच में आके उसको डैडी को पूछता था, डैडी ऐसा करो, डैडी वैसा करो, और वो उसके तरफ ख्याल नहीं दे रहे थे, वो पेपर जो अखबार पढ़ने में वो मशगूल थे। फिर डैडी ने, उसके पिताजी ने ऐसा सोचा कि ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, मैं इसको कुछ ना कुछ काम दे दूं ताकि वो बिजी हो जाए। तो क्या करते, बाजू में और एक पुराना अखबार वहां पड़े रहता है, तो उसमें वो उसका एक पन्ना उठा लेते हैं
तो उसके पन्ने के ऊपर एक कुरियर कंपनी की एक जाहिरात रहती है एडवर्टाइजमेंट कि जो पूरे दुनिया भर में उसके कहां कहां ऑफिसेस है और कहां कहां वो अपनी सेवाएं देती है कुरियर की, उसके बारे में नक्शा रहता है। तो वो पूरा दुनिया का नक्शा निकाले हुए वो अखबार देखता है और उसको वो टुकड़े टुकड़े करके उसको दे देता है, बोले अभी ये जो दुनिया का नक्शा जो है ना तो वो जोड़ के लेके आ गया। अब उसके डैडी को ऐसा लगता है कि अभी ये लड़का जाएगा और अभी ये घंटा भर तो कम से कम आएंगे नहीं ताकि मैं पेपर पढ़ सकूं। वो लड़का वो पेपर लेके जाता है और एक 5 मिनट के बाद में वो पूरा जो टुकड़े किए रहते वो पूरे जोड़ के लाता है और वो पूरा नक्शा जैसा होना चाहिए वैसे रहता है। पिताजी उसको पूछते हैं कि ये हुआ कैसे, तूने किया कैसे? बोले मुझे तो रेडी ये मालूम नहीं कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, अमेरिका कहाँ है, या अफ्रीका कहाँ है, या इंडिया कहाँ है, मुझे ये मालूम नहीं कि ये देश कहाँ कहाँ है। मगर मैंने क्या किया कि उसके दूसरे बाजू एक व्यक्ति का चेहरा था और मुझे ये पता है कि व्यक्ति का नाक कहाँ है, आंखें कहाँ है, कान कहाँ है, मुंह कहाँ है, तो मैंने वो जोड़ दिया। जैसा वो जोड़ दिया तो पूरी दुनिया जुड़ गई। कहने का मतलब यह है कि व्यक्ति को जोड़ना पड़ता है, व्यक्ति को जोड़ने के बाद में पूरी दुनिया जुड़ जाती है। तो हमको बदलना किसको है? बदलना अपने आप को है। जब हम आपको खुद को बदलेंगे तो एक 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 व्यक्ति बदलते जाएगा और हर एक व्यक्ति बदलते जाएगा तो हमारा पूरा देश बदल जाएगा, पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो बदलना हमें खुद को है, हमें लोगों को बदलना नहीं है। हम जो फिराक में है कि नहीं लोग बदलना चाहिए, लोग बदलना चाहिए, तो लोग कभी बदलेंगे नहीं। कितने कितने लोग मेरे पास में आते कि मेरे पत्नी ने बदलना चाहिए, पति ने बदलना चाहिए, उसके ऊपर झगड़ा कर लेते, उनको लगता है कि नहीं एक दिन आ जाएगा कि ये लोग बदल जाएंगे। अभी आज ही मेरे पास में एक कपल आया था, हस्बैंड वाइफ। उनका यह था कि ये मेरा पति जो है वो काम नहीं करता है, वो टाइम पास करता है, और वो इतनी मतलब इरिटेबल हो गई थी, चिड़चिड़ कर रही थी कि भाई मैं खुद काम करती हूँ, मैं कोचिंग क्लासेस चलाती हूँ और ये आदमी व्यक्ति कुछ नहीं काम करता, इसको कुछ ना कुछ कमाना चाहिए, मगर वो व्यक्ति कुछ नहीं करता नहीं। वो चिढ़ती थी, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ता था। मैंने उसको बोला कि आप क्या चाहती है, उसको बदलना चाहती है? बोले हाँ बदलना चाहिए, उसने कामकाज करना चाहिए। अभी हमारी शादी को 2 साल हो गए, ये बच्चा भी है, ये कैसे होगा हमारा? बोले तू चिड़चिड़ करके कुछ फायदा हुआ 2 साल में? बोले कुछ भी नहीं फायदा हुआ। बोले फिर आप क्यों चिड़चिड़ करती, क्यों चिड़ती आप, फायदा तो हुआ ही नहीं। तो आप अभी उसको बदलने की कोशिश मत। बदलना किसको है? अपने आप को है। कि जैसा व्यक्ति है वैसा है, वो जैसा है वैसा है, और वो जैसा नहीं है वैसा नहीं है। करना क्या है आपको? आपको देखना है कि आपको कैसे बदलना है, और आप बदलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति बदल जाएगा। हमारे वर्कशॉप में काफी सारे लोग आते हैं, वो लोगों को बदलने के चक्कर में उनको बदल सकते नहीं, फिर वर्कशॉप में आते, वर्कशॉप में खुद को बदलते हैं और फिर रिपोर्ट करते हैं आके, देखो मैं बदल गया ना, घर के लोग पूरे बदल गए। तो बदलना है आपको, लोग बाद में फिर बदल ही जाएंगे। तो लोगों को बदलने की कोशिश मत करो। ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ट्रांसफॉर्मेशन वो खुद का करने का, खुद को संभावनाओं का एक नया साम्राज्य उसका निर्माण करने का है। क्या क्या पॉसिबल है वो आपको देखने का है। जिंदगी जैसी है वैसी है, लोग जैसे है वैसे है, अभी मैं क्या कर सकता हूं वो आपने देखना है, ताकि जिंदगी में आप सफलता पा सको। अधिक जानकारी है तो आप हमारी वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब के चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। फेसबुक के पेज को भी लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हम आप हमको कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।